ये दोस्तों आज हम आपको कल के मैच में होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना से अवगत कराने जा रहे हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए भारत टीम ने हैंड कोच राहुल द्रविड़ ने खतरनाक प्लेइंग घोषित कर दी है। बांग्लादेश के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद भारत की टीम के लगातार शानदार प्रदर्शन जीत होने के बाद इसके प्रदर्शन के बाद भी राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम के प्लेइंग में बहुत बड़ा बदलाव किया है और न्यूजीलैंड में होने वाले मुकाबले के लिए कई बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम में एकदम बदलाव होने के कारण राहुल द्रविड़ ने भूखे शेरों को धूल चटा दी है, जिससे भारत की टीम और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। और अब इस मुकाबले में भारत की टीम न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाने में पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों आपको पता होगा कि ये मुकाबला काफ़ी ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीम अपने शुरुआत के चारों मैच जीत चुकी है और दोनों टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 और 2 पर है। वर्ल्ड कप 2023 में दोनों टीमों में काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होगा और दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर देने वाली है। राहुल द्रविड़ इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ का कहना है कि वो खिलाड़ी के प्रति इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो उनके बीच कोई भी किरदार नहीं निभाना चाहते। उनको स्वयं ही खेलना पड़ेगा और अपनी जीत को हासिल करना पड़ेगा। और अब की बार टीम में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ियों को चुना गया है जो न्यूजीलैंड की टीम को धूल चटाकर रख देंगे। वहीं भारत की टीम 2019 में मिली हार का बदला न्यूजीलैंड से लेंगे, क्योंकि भारत की टीम वालों का कहना है कि जो 2019 में भारत वालों को हार का सामना करना पड़ा था, अब की बार वो हार का सामना नहीं करेंगे और न्यूजीलैंड वालों को धूल चटाकर रहेंगे। दोस्तों इससे बड़े दुख की बात यह है कि इससे पहले 2019 में जो भारत को हार मिली थी, वो उस हार को भूल को एक बदले के भावना में है। दोस्तों हार्दिक पांडे को चोट लगने के कारण बहुत कुछ समय के लिए उसे बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले भारत की टीम को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हार्दिक पांडे को चोट ज़्यादा लग चुकी है और उसको कम से कम 4 या 5 दिन इसको ठीक होने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांडे को चोट लगने के कारण राहुल द्रविड़ ने काफ़ी सहानुभूति दर्शाई है। उन्होंने यह भी कहा है कि दुख की बात नहीं है, जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दोस्तों हार्दिक पांडे को ठीक होने में कम से कम 4 या 5 दिन का समय लगेगा, इसलिए उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि राहुल द्रविड़ ने इस मैच के लिए किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है और किन किन खिलाड़ियों को इस मैच से बाहर निकाला है। इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला यह मुकाबला रविवार को 2 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। दोनों वर्ल्ड कप 2023 में अब भारतीय खिलाड़ियों ने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की टीम ने बंगाल की टीम को 7 विकेट से बुरी तरह से पीट दिया था। भारत की टीम ने अब तक अलग अलग बाजी में अलग अलग रन बनाए हैं। भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों रोहित शर्मा और शिव मंगल जो खिलाड़ी हैं, दोनों ही खतरनाक परफॉर्मेंस में चल रहे हैं। पिछले मैच में रोहित शर्मा और शिव मंगल दोनों ने बांग्लादेश की टीम को धूल चटाई थी, वह काबिलियत के तारीफ था। वर्ल्ड कप में सभी खिलाड़ियों ने अलग अलग रन बनाए हैं और अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने बंगाल देश को 48 रन से और 6 छक्कों से हराया था। रविंद्र जडेजा ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और आशा है कि रविंद्र जडेजा अब की बार भी भारत को जिताने में एक बहुत ही मुकाम हासिल कर लेंगे और वे भारत की टीम को जिताने में बहुत ही मेहनत करेंगे। वहीं तेजबाजी की बात करें तो यह 11वें नंबर पर है। अब ये देखना है कि कौन सी टीम न्यूजीलैंड को हराकर भारत की टीम को जीत दिलाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय जरूर देना।